Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and good and आपकी preparations भी काफी अच्छी चल रही होगी. तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ जो कि डायरेक्ट निकल करके आ रही है इंडिया पोस्ट की तरफ से GDS रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है. GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक. तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपको BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट पर, इन दोनों ही पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज आपको जल्द ही आउट होने वाली है. फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है. मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है. बहुत अच्छा मौका इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है. आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है बिना एग्जाम के आपके मार्क्स के बेसिस पे. तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में हमें डिस्कस करने वाले कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहेगा. साथ ही साथ आपको फ्रेंड्स मैं बताने वाली हूँ कि आपका कट ऑफ किस बेसिस पे बनेगा, इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, जॉब की लोकेशन क्या होगी. तो अगर आप भी इस रिक्रूटमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि इंडिया पोस्ट GDS की रिक्रूटमेंट आई है टू पोस्ट के लिए. आपको BPM एंड ABPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर. तो अगर दोनों पोस्ट को कंबाइन करके देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपकी आने वाली है 30,000 प्लस सीट्स के लिए ये वैकेंसी आपकी जल्दी आउट होने वाली है. तो बम्पर नंबर की वैकेंसी रहने वाली है. सो आप लोग जल्दी से जल्दी जैसे ही फॉर्म आउट हो आप फॉर्म को अप्लाई कर देना. ये वैकेंसी आपको स्टेट वाइज, सर्किल वाइज एंड आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगी. सो अब बारी आती है इम्पॉर्टेंट डेट्स की. तो फ्रेंड आपको बता दूं कि 28 जुलाई से आपका ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा अभी से फॉर्म अप्लाई करने के लिए. बहुत जल्द ये फॉर्म हम सभी के बीच आ जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हो. फॉर्म की फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS से 100 रुपीज़ चार्जेस ली जाती है. वहीं अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपसे यहाँ पे कोई सी भी चार्जेस नहीं ली जाएगी. अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी यानी कि एज लिमिट की. फ्रेंड्स आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स रहने वाला है एंड मैक्सिमम एज टू अप्लाई आपका 40 ईयर्स रहेगा. यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है. SC ST को 5 ईयर्स के लिए, OBC को 3 ईयर्स के लिए, अदरवाइज और भी सारे पोस्ट के लिए उसका आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप चेक कर लो वहाँ से. क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप अगर जस्ट 10th पास आउट हो सो इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. मतलब आप जिस भी स्टेट के लिए, जिस भी सर्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना एकदम कंपलसरी है. उसके अलावा आपको साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाना आना चाहिए. तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को साइकिलिंग आती ही होगी और जिनको नहीं आती हो वो आप लोग जल्दी से सीख लो यार, टाइम आपको मिल रहा है अच्छा खासा. और साइकिल चलाने में क्या ही करना है, तो जल्दी से जल्दी सीखो और इस जो फॉर्म को है ना अप्लाई कर दो. इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा इजी है. इजी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला है आपका. इसमें आपका मेरिट लिस्ट बनता है कट ऑफ के आधार पर. वो कट ऑफ डिसाइड करती है आपके 10th का जो परसेंटेज होता है ना, वो डिसाइड करती है कि आपका कट ऑफ आपने कितना पे जाने वाला है, कट ऑफ आप मेरिट लिस्ट में हो या नहीं हो. ये जो मेरिट लिस्ट बनता है फ्रेंड्स आपका स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, कैटेगरी वाइज बनता है. उसके बाद आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल होता है, देन आप अपनी पोस्ट को ज्वाइन कर पाते हो. अब बारी आती है इनहैंड सैलरी की. तो फ्रेंड्स इसका जो सैलरी है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा. बाकी सारे जो आप जॉब करते हो उसमें आपका सैलरी फिक्स होता है, बट यहाँ पे ऐसा है फ्रेंड्स कि आप जितना ज़्यादा जॉब करोगे उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलने वाली है. तो चलिए हम लोग इनिशियल इनहैंड सैलरी को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं. जैसे कि फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए टाइम स्लैब मिनिमम 4 आवर्स का आपको वर्क रहेगा. तो आपको मिनिमम 4 आवर्स वर्क आप करते हो तो 12,000 से स्टार्टिंग होती है और बाद में आपको 29,380 रुपीज़ मिलता है.
एक्स्ट्रा अगर आप करते हो, मान लो 5 आवर्स का स्लैब करते हो, तो 14,000 आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, प्लस आपको 31,500 तक ये सैलरी इंक्रीज होके आपकी जाएगी। ABPM के लिए देखा जाए तो टाइम स्लैब अगर आप 4 आवर्स की ड्यूटी करते हो तो मिनिमम 10,000 टू आपका 24,470 रुपीज़ यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाला है। वही अगर आप टाइम स्लैब 5 आवर्स के लिए वर्क करते हो तो 12,000 टू 26,500 की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप इनिशियल इन हैंड सैलरी देखिए ये सोच रहे हो कि अरे यार इतना कम सैलरी दे रहा है, 10,000-12,000 स्टार्टिंग में दे रहा है, ये सोच के आप अगर ये डिसीजन ले लेते हो कि नहीं मैं तो फॉर्म नहीं भरने वाला हूँ भरने वाली हूँ, तो आप एकदम गलत हो। आप इसमें जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा, और टाइम स्लैब मिनिमम आपको 4 आवर्स का है। तो ये सब आप मतलब आप खुद डिसाइड कर लेना, बट एक बार नोटिफिकेशन आए तो उसको अच्छे से देखो समझो, देन आप डिसाइड करो कि फॉर्म अप्लाई करना है कि नहीं करना है। जॉब की लोकेशन की बात की जाए तो आपको ऑल इंडिया में वैकेंसी आई है, और आप जिस भी सर्किल से अप्लाई करते हो अगर वहाँ के कट ऑफ को पार कर लेते हो, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तब आप वहीं पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। सो आई होप कि मैंने आपको जो भी डिटेल बताए हैं इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अदरवाइज उसे समझने में कोई सी भी दिक्कत हो ना फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ पूछ सकते हो, मैं वहीं पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज आप और भी ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहते हो मेरे से तो आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लेना। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इस यूनिक जॉब के बारे में पता चल सके। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।